और फिर से आपको सैफ़ियम लिए चलते हैं परेड ग्राउंड में। नेताजी मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार जो है वो यहाँ पर किया गया है। जी हाँ, बेटे अखिलेश यादव ने मुखाग्नि दे दी है और अभी भी भारी संख्या में यहाँ पर समर्थक जुटे हुए हैं। तस्वीरें सैफ़ियम से सीधी लाइव आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुंदन और राकेश जो है वो इस वक्त जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कुंदन, पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं नेताजी, भारी भीड़ वहां पर सब उन्हें याद करते हुए। कुंदन, बिल्कुल, पंचतत्व में विलीन होने के साथ ही एक लंबा युग की समाप्ति हो गई और आप देखिए कि लगातार उस परेड ग्राउंड से हजारों की संख्या में लोग जो सुबह से अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे, अब एक एक करके लौटते हुए। मैं आपको बताऊं कि इस भीड़ में न केवल आम, खास, ग्रामीण, राजनीतिक, आप समाज के अलग अलग वर्गों से, अलग अलग क्षेत्रों से तमाम लोग आए हुए थे और हमने लगातार आज सैकड़ों लोगों से बातचीत की। सब अपने अपने तरीके से नेताजी को याद कर रहे थे, अपने प्रिय नेता मुलायम सिंह यादव को याद कर रहे थे, कोई उनके शिक्षक होने के दावे का याद कर रहा था, कोई उनके राजनीतिक मुलाकातों को याद कर रहा था, कोई उनके चुनाव लड़ने के तरीकों पर याद कर रहा था और तमाम लोग अपने अपने तरीकों से उनका विश्लेषण कर रहे थे। ठीक थोड़े देर पहले करीब उनका जो बड़े बेटे अखिलेश यादव, उन्होंने उन्हें मुखाग्नि दी और इसके बाद हिंदू कर्म कांड के मुताबिक उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया और आज एक लंबे युग का, जिसे कल हालांकि उनका देहांत हो गया था, लेकिन आज जो एक हिंदू जो तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया जाता उसकी शुरुआत हो गई और ये अभी भी लोग लगातार आपको नजर आएंगे कि लगातार अब जो सुबह से हजारों की संख्या में उस मेला ग्राउंड और परेड ग्राउंड में लोग खड़े थे वो एक एक करके धीरे धीरे निकलना शुरू कर चुके हैं और ये एक तरह से ये सैफई न जाने आज अपने नेता को खोने का गम शायद ही भुला पाए और अपने तरीकों से लगातार नारे लगा रहा था। जो अमर सिंह, माफ कीजिएगा, मुलायम सिंह अमर रहे से लेकर और जो उनके व्यक्तित्व को लगातार दिखा रहे हैं। राकेश मेरे सहयोगी भी बने हुए हैं। राकेश, तस्वीरें आप सफाई से दिखा रहे हैं, पंचतत्व में भले ही नेताजी का शरीर विलीन हो गया हो लेकिन उनकी बातें, उनकी यादें, उनके द्वारा दी गई सीख हर किसी को याद रहे। निश्चित तौर पर हर किसी को याद है और यही वजह है कि जो भीड़ का सैलाब उमड़ा था, मैं लगातार बार बार इस बात को बोला कि इसको सिर्फ भीड़ के नजरिए से मत देखिए, ये लोगों की भावनाओं का सैलाब है और इसीलिए जो तमाम इंतजाम थे वो तमाम इंतजाम रखे रह गए। पीछे तस्वीरें आप देखिए, ये जो घंटाघर का परेड ग्राउंड है वहाँ पर नेताजी को मुखाग्नि दे दी है अब से थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने और अभी भी लोग लगातार इस ग्राउंड पर मौजूद हैं और लगातार नारेबाजी हो रही है, बावजूद इसके कि मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो रहा है, इसके बावजूद लोग यहां से जाने को तैयार नहीं है। कुछ लोग यहां से जरूर मूव कर चुके हैं लेकिन लगातार नारेबाजी की, नेताजी अमर रहें, धरती पुत्र अमर रहें, तमाम जो उनको उपाधियाँ दी गई थी। लोगों से आप बातचीत करिए तो लोगों का एक अलग जुड़ाव, सैफई में उनका जन्म हुआ, सैफई उनका गाँव, सैफई उनका शहर, उनके लिए सब कुछ, तो उस नाते एक लगाव, लेकिन बलिया, आजमगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिल्कुल राकेश, एक वो युवक जो पहलवानी से शिक्षक बनके कैसे राजनीति के शिखर पर पहुंचता है, सबको कितना कुछ सिखा जाता है और वही लगाव, वही प्यार जो है वो अभी सैफई में देखने को मिल रहा है जो लोगों का मुलायम सिंह यादव के प्रति था। कुंदन, राकेश, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महायुद्ध की, जहां पर यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। रूस टैंक, तोप और मिसाइल से लगातार यूक्रेन पर वार कर रहा है। यूक्रेन के आसमान में रूसी हेलीकॉप्टर्स जो है वो गरज रहे हैं, कीव में खतरे का सायरन बज रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब और तेज हो गई है। हवाई हमलों के बाद रूस अब जमीनी लड़ाई लड़ने के मूड में है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर तोप के कई गोले बरसाए। जमीन के अलावा रूस यूक्रेन पर हवाई हमले भी कर रहा है। रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने यूक्रेन में घुसकर कई शहरों को निशाना बनाया, मिसाइलें दागी। रूस एक एक कर कीव के कई शहरों को निशाना बना रहा है। कीव के शहरों में खतरे के सायरन बजते सुनाई दे रहे हैं। यूक्रेन के पावर प्लांट पर रूसी हमले का वीडियो भी सामने आया। यूक्रेन के पावर प्लांट से कुछ दूर पर रूस की मिसाइल गिरी,
जिस कारण पावर प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा। और युद्ध में यूक्रेन ने भी रूस को सबक सिखाने की ठान ली है। यूक्रेन का दावा है कि उसने 8 रूसी ड्रोन्स मार गिराए हैं। जी हां, यूक्रेन का कहना है कि उसने रूस की 4 क्रूज मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराया और साथ ही 2500 से ज्यादा रूसी टैंक बर्बाद कर दिए। रूस के हमले का यूक्रेन भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलें दागी तो यूक्रेन ने भी मिसाइल हमले किए। रिमोट से गाइडेड मिसाइलों को दाग कर यूक्रेन ने रूस के सैनिकों के अड्डे को खत्म कर दिया। खुले मैदानों में और जंगलों से बीच यूक्रेन के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स गरजते थे। एक के बाद एक हेलीकॉप्टर से मिसाइलें छोड़ी गईं। रूस की तरफ से मिसाइलें भी दागी गईं तो यूक्रेन ने उन्हें आसमान में ही उड़ा दिया। जंग में यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन रूस के हर हमले का उसी के अंदाज में जवाब देगा और यही वजह है कि यूक्रेन ने रूस पर काउंटर अटैक को और तेज कर दिया। तो रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध चल रहा है उसका रुख बदलता जा रहा है। रूस के ताबड़तोड़ हमले से ज़ेलेंस्की के होश उड़ चुके हैं। यूक्रेन ने अपने ही पुल को आखिर क्यों उड़ा दिया? पुल उड़ाने के पीछे ज़ेलेंस्की का प्लान क्या है, दिखाते हैं आपको। विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है दुनिया। वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन हुआ शुरू। आसमान में उड़ते धुएं के गुब्बार को देखिए, ये पुतिन को ज़ेलेंस्की का जवाब है। जोरदार धमाका और आर्टिलरी ब्रिज हुआ तबाह। अब आप सोच रहे होंगे कि ये धमाका रूस ने किया, लेकिन ऐसा नहीं है। यूक्रेन ने खुद अपने ही पुल को उड़ा दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर यूक्रेन ने ऐसा क्यों किया? तो इसके पीछे ज़ेलेंस्की की बड़ी रणनीति है। दरअसल यूक्रेन इस पुल को उड़ाकर रूसी फौज को ईंधन की सप्लाई बाधित करना चाहता है। रूसी सेना एक बार फिर यूक्रेन के कई शहरों की ओर बढ़ रहा है। रूसी सेना आगे न बढ़ सके इसके लिए ज़ेलेंस्की ने आर्टिलरी ब्रिज को उड़ा दिया। यूक्रेनी सैनिकों ने शक्तिशाली बम लगाकर ब्रिज को तबाह कर दिया। इस ब्रिज को उड़ाने से जहां रूसी सेना को ईंधन सप्लाई में दिक्कत होगी, वहीं हथियार और रसद पहुंचाने में परेशानी होगी। पुल को उड़ाने के बाद आसमान में काले धुएं का गुब्बार उठने लगा। और यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में रूस ने देर रात कई रॉकेट्स दागे। रॉकेट हमले में ज़ापोरिज़्या में कई बिल्डिंग्स जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। जी हां, रूसी हमले के बाद यहां पर बिजली का संकट भी पैदा हो चुका है। खबर यह है कि यहां पर न्यूक्लियर प्लांट पर रूस ने कब्जा कर लिया। ज़ापोरिज़्या में रूसी हमले की तस्वीर देखिए। वीडियो देर रात उस वक्त का है जब रूसी रॉकेट ज़ापोरिज़्या के इस अपार्टमेंट पर आकर गिरे। हमले की वजह से अपार्टमेंट तो तबाह हुआ ही और साथ ही इसके एक हिस्से में आग भी लग गई। यूक्रेन के फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि इस हमले में अपार्टमेंट के अंदर मौजूद कई लोगों की मौत हो गई है। रूस के रॉकेट हमले में कम से कम 5 मकान नष्ट हो गए और लगभग 40 अन्य को नुकसान पहुंचा है। रूसी हमले की ऐसी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में खंडर बनी इमारतों को साफ देखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक ज़ापोरिज़्या के न्यूक्लियर प्लांट पर भी रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया और न्यूक्लियर प्लांट के चीफ को भी रूस ने बंधक बना लिया। और पुतिन का गुस्सा यूक्रेन के लवीव शहर पर भी फूटा, जहां पर बमबारी की वजह से बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है। बमबारी के बाद पूरा लवीव शहर अंधेरे में डूब चुका है। चारों तरफ चीख पुकार मच गए। रूस के अटैक से यूक्रेन में भारी तबाही हुई है। यूक्रेन के लवीव में रूस ने भारी बमबारी की है जिससे शहर में काफी नुकसान पहुंचा। रूसी हमले के बाद पूरा लवीव अंधेरे में डूब गया है। रूस के मिसाइल अटैक से बिजली सप्लाई ठप हो गई है। लवीव शहर पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है। जंग के बीच से डराने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यूक्रेन में घुसे रूसी सैनिकों ने यहां जंग के मैदान में जगह जगह लैंडमाइंस भी बिछाए हुए हैं।
जिनको यूक्रेन के सैनिक डिफ्यूज करते हुए नजर आए। जंग में रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जमीन और आसमान और नदियों से रूस रॉकेट और मिसाइल दाग रहा है। रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के 12 शहरों को तबाह कर दिया। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा तबाही लवीव शहर में ही हुई है। और देखिए, रूस ने डोनेस्क पर भी भीषण बमबारी की है। बमबारी की वजह से कई इमारतें तबाह हो गए। रूस की बमबारी के बाद शहर में चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आने लगा। प्रशासन मलबे को हटाने का काम कर रहा है। रूस के हमलों में यूक्रेन का डोनेस्क शहर बुरी तरह तबाह हो गया। रूस की मिसाइलों ने यहां ऐसा कहर बरपाया कि यहां चारों तरफ मलबा ही मलबा है। रूस की बमबारी में लोगों के घर उजड़ गए, अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग तबाह हो गई। सुबह हुई तो लोगों को चारों तरफ बस बर्बादी दिखी, जिसके बाद स्थायी प्रशासन जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने का काम शुरू करता नजर आया। रूस का हमला इतना खतरनाक था कि डोनेट्स की कई इमारतें जमींदोज हो गईं, जो घर बच गए उनकी खिड़कियां दरवाजे टूट गए। कई घरों से अब भी धुआं उठता दिखाई दे रहा है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे हैं। रूस के हमले के बाद से यहां रहने वाले लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जहां तक नजर जा रही है, चारों तरफ बर्बादी का मंजर दिख रहा है। और चलिए बात कर लेते हैं महाकाल लोक की, जहां पर महाकाल कॉरिडोर ने पूरे उज्जैन नगरी के रंग और रूप को बदल दिया है। और अब से कुछ ही देर बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं। महाकाल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पीएम मोदी शिव की इस नई नगरी का लोकार्पण करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर देखिए, उज्जैन में जबरदस्त उत्साह है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। लोकार्पण से पहले शिव नगरी का नजारा बेहद दिव्य और भव्य नजर आ रहा है। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे सीधे उज्जैन से, जहां पर महाकाल कॉरिडोर की तैयारियां किस तरीके से लोकार्पण के लिए हो चुकी हैं। उज्जैन शहर में भव्य तरीके से इसे सजाया गया। बड़ी संख्या में महाकाल लोग पहुंच रहे हैं। लोग महाकाल मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं उज्जैन से सीधे लाइव। अमित, लोकार्पण से पहले की क्या तस्वीरें इस वक्त आप दिखाएंगे दर्शकों को? जी हाँ, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं इस वक्त विक्रमादित्य टीला पर हूँ और इसके ठीक सामने आपको दो चीजें दिखाऊंगा। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये भव्य महाकाल लोक है जो पूरा दिख रहा है आपको। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जब आएंगे तो वहां से जो नंदी द्वार से होते हुए सीधा यहाँ पर सामने में जो आपको एक सामने दिख रहा है, जो एक मूर्ति जो है उनके ठीक सामने वहां पर द्वार बना हुआ है, वो द्वार उधर बना है जो कि अंदर जो महाकाल का मंदिर है उसके जाएंगे और महाकाल के मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करना है। और यहाँ से इस रास्ते से होते हुए विजय गोपाल से कहूंगा कि वो दिखाए कि देखिए जो फूल जो पूरा आपको दिख रहा है, फूलों से सजा हुआ वो रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते से प्रधानमंत्री ऊपर जाएंगे और अंदर वो महाकाल के दर्शन करेंगे। महाकाल का जो मंदिर है आप देख रहे हैं कि लाल पताका फहरा रहा है, तो वहां पर प्रधानमंत्री को पूजा करना है। करीब 6 बजे के लगभग उनको पूजा करना है। शाम का वक्त होगा, 5 बजे के बाद कोई जलाभिषेक नहीं होता है। 5 बजे जो अभिषेक का वक्त होता है सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, और इसके बाद का जो वक्त होता है श्रृंगार का वक्त होता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री यहां पर पहले पूजा अर्चना करेंगे और पूजा अर्चना के बाद फिर इस पूरे जो कॉरिडोर है, जो महाकाल लोक है, उसमें घूमेंगे, उसमें देखेंगे कि किस तरह से ये पूरा जो फेज वन का जो काम पूरा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि इसके बाद रुद्र सागर, ये जो आपको सागर दिख रहा है, इस पर भी पुल बनाने की तैयारी है जो कि फेज टू का कार्यक्रम होगा। और इसके बाद ये जो डेवलपमेंट काम है जो यहाँ भी जो विक्रमादित्य टीला है उस पर भी होगा। तो बस आज जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कर दिया जाएगा। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, आगे में हम आपसे जानकारी लेंगे। इसी बीच देखिए, आस्था और विश्वास की डोर के साथ साथ महाकाल लोक में सांस्कृतिक झलकियां भी देखने को मिलेंगी। लोकार्पण से ठीक पहले 6 राज्य के 700 कलाकार अलग अलग कार्यक्रम पेश करेंगे और इसी पर देखिए मेरे सहयोगी नैना यादव की एक खास रिपोर्ट। तो महाकाल लोक के अनावरण अवसर पर बेहद खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम शिव की बारात यहाँ पर है, रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ में यहाँ पर ये तस्वीर
सभी मोहिनी भस्मासुर दिखाएंगी। शिव है, मोहिनी है, भस्मासुर है, नारद है, विष्णु है। अच्छा, आप तो कितने दिन की प्रैक्टिस है? अब देखिए प्रस्तुति कितना देर की देगी तो बोलना मुश्किल है। अच्छा, कब परफॉर्म करेंगे? टाइम जब देगा उस समय करेंगे। तो शिव का ये रूप दर्शाते हुए झारखंड का ये पूरा ग्रुप भोलेनाथ के रूप में यहाँ पर है, हाथ में त्रिशूल है और देखिए नीलकंठ भोलेनाथ गले में सर्प की माला धारण किए हुए ये आपको इस रूप में नजर आ रहे हैं। आपके संसार में और हमारे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, 700 कलाकारों की प्रस्तुति यहाँ पर रहेगी, कई देशों में प्रसारण जो है वो यहाँ पर किया जाएगा और उसी के साथ साथ जो भक्त भी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं उनको किसी तरह की समस्या ना हो इसका भी खास ख्याल रखा जाना है। जी हाँ, इससे पहले भी ये चीजें हमने काशी विश्वनाथ धाम के वक्त भी देखा था कि जो श्रद्धालु थे जो पूजा अर्चना करने के लिए काशी विश्वनाथ धाम आए थे उनको प्रधानमंत्री के आने जाने से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो इसका विशेष ध्यान था। और इस बार भी कुछ ऐसा ही है। आपको दिखाऊंगा कि ये भले आपको जो दिखाया गया कि फूलों का वो प्रधानमंत्री यहां से जब आएंगे जो पूरे फूलों से सजाया हुआ उस तरफ जाकर और प्रधानमंत्री जब अंदर रहेंगे सबसे बड़ी बात कि पूजा के बाद प्रधानमंत्री वहां पर ध्यान लगाएंगे, कुछ देर बैठेंगे, ध्यान लगाकर बैठेंगे और उस वक्त जो गर्भगृह है उसमें कोई और नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री होंगे, वो ध्यान लगाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उस वक्त उनके साथ गर्भगृह में नहीं होंगे, गर्भगृह से बाहर होंगे और इसलिए खास तैयारी होती है। और प्रधानमंत्री ये हमेशा कहते हैं कि इस तरह से कोई आयोजन ना हो जिसमें आम लोगों को परेशानी हो, तो इसका खास ध्यान रखा गया है। और यहां पर जो कर ली गई है ताकि किसी भी भक्त को परेशानी ना हो, तस्वीरें लगातार आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। अमित, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।